दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे और बहुत खुश भी रहोगे। मेरे दुआ भी है कि आप सब बहुत खुश रहो। जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे ब्लॉग को पूरा देखते हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग को बहुत सारी खुशी मिले। मुझे जितना खुशी मिलती है, आप सबको 10 गुना डबल खुशी मिले। तो दोस्तों, आज मैं मूली और बटाटा की फ्राई बनाऊंगी, मतलब मूली की साग और बटाटा इन दोनों का फ्राई बनाऊंगी। साग नहीं बनाऊंगी, इन दोनों का फ्राई वाला साग बनाऊंगी, गिल्ला गिल्ला साग नहीं बनाऊंगी। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मूली के साग इस तरह से मैं साफ कर ली हूँ, क्योंकि एक कौला है ना, इसके लिए ये बीज का सिरा रहने दी हूँ। अगर ये मूली हुआ रहता इसमें तो बीज के सिरा निकाल देते। तो इसमें मूली तो नहीं हुआ है, ऐसा है, देखिए ये सब ऐसा है। अगर जारे जारे मूली हुआ रहता तो इसका सिरा हम निकाल देते। तो अभी एकदम कौला है, इसके लिए हमने सारे डंडिया निकाल दिए। देखिए सारे डंडी निकाल दिए हैं और हमने पत्ता इस तरह से ले लिए हैं। अब हम इस पत्ते को बारीक बारीक काट के वापस आ रहे हैं। दोस्तों, एकदम बारीक बारीक मूली का साग काट ली हूँ मैंने, और दो हरी मिर्च के चीरी लगा के बीच से काट ली हूँ दो टुकड़ा करके। और इधर देखिए बटाटा, बटाटा को भी बारीक बारीक काटी हूँ देखिए। और फोड़नी के लिए ली हूँ जीरा, सौंफ और लाल मिर्च। और ये जो हरी मिर्च है ना, इसको इसी तरह साग के साथ डाल दूंगी। तो चलिए हम गैस के पास चलते हैं। ये दोस्तों, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तेल डाल दिए, तेल गरम हो गया। अब हम इसमें बटाटा को फ्राई करेंगे। कितना फ्राई करेंगे? 50% फ्राई करेंगे, 50 या 60% फ्राई करेंगे हम। हेलो दोस्तों, देखिए बटाटा 60% फ्राई हो चुका है। अब हम बटाटा को निकाल लेते हैं। बटाटा हमने निकाल लिए हैं देखिए। अब इसी तेल में हमने जीरा, सौंफ और लाल मिर्च डाल देंगे और 50% इसको हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों 50% फ्राई हो चुका है देखिए। अब हम इसमें इस साग को डाल देंगे हरी मिर्ची के साथ। हम आंच को स्लो रखते हैं, हाथ रखेंगे तो जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, थोड़ा हल्दी भी डालेंगे इसमें, ये देखिए। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, इसको हम फास्ट कर देंगे ताकि ये पानी जल जाए। बहुत पानी छोड़ दिया है साग के अंदर, तो पानी जल्दी सूख जाए इसके लिए हम आँच को फास्ट रखे हैं। इसका पानी सुखा के हम वापस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी था तो हमने सुखा दिए हैं, थोड़ा सा पानी है, साग कच्चा है, इसके लिए हम ढक देंगे। अब बीच बीच में चला लेंगे, देख लेंगे गल जाएगा तो ढक्कन खोल के वापस आती हूँ। स्लो आंच में रखी, ना फास्ट ना मीडियम, स्लो आंच में। तो साग का पानी सूख चुका है, ये जो है ना, जो दिख रहा आपको तेल है, साग का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें एक फ्राई किया हुआ बटाटा को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, साग को इस तरह से छुरनी के नोकी से फैलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हम। बटाटा और साग अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, बाद में और मिक्स करेंगे। जब तक हम इसमें तीखी मिर्च पाउडर दे रहे हैं, आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से तीखा डाल रही हूँ। ये पूरा निरामिष है, किसी को अगर निरामिष नहीं बनाना है तो आप इसमें कांधा डाल सकते हो। कांधा को पूरा फ्राई करके बाहर निकाल के रखने का, और इस तरह से होने के बाद जब पूरा तैयार हो जाएगा ये, उसके ऊपर से कांधा डाल देने का। फ्राई किया हुआ कांधा, कांधा एकदम 100% कांधा फ्राई होना चाहिए किसी को अगर कांधा डालना है तो। जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तब आप लोग उस कांधा को ऊपर से डाल देने का और मिक्स कर देने का। तो इसको हम आँच फास्ट करके फ्राई करेंगे, और फ्राई करके आ रहे हैं ये बिल्कुल निरामिष है। तो आप लोग को मैं बताई, जो किसी को अगर कांधा डालना है तो किस तरह से डालना, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं अच्छे से जवाब दे दूंगी। अगर आप में से किसी ने बोलेगा कि मेरे को कांधा वाला बना के बताओ, तो मैं कांधा वाला बना के बताऊंगी। चलिए हम अच्छे से फ्राई करके वापस आते हैं। देखिए मूली की साग और बटाटा फ्राई हो चुका है। देखिए बटाटा आपको लाल लाल पूरा दिख रहा,
साग में भी थोड़ा भी पानी नहीं देखिए, जो भी है तेल है। तो बटाटा को हम पहले इसलिए फ्राई किए कि साग के साथ फ्राई नहीं होगा और वो टूट जाएगा। बटाटा देखिए अक्खा अक्खा है, एक का दुक्का टूटा है। तो आप सब इसी तरह से बनाइए। सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब मिलके मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए। आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और वॉच टाइम इस गरीब का गरीबी दूर कर सकता है, इस हैंडीकेप की मदद कर सकता है। मेरा आप लोगों की मेहरबानी, दया और सपोर्ट से और आप लोगों के प्यार से अगर मेरे ब्लॉग आगे बढ़ जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, तो मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे। कुछ पैसे मिलेगा तो मुझे भागम दौड़ी कम मेरी भागम दौड़ी कम हो जाएगी, तो मेरे पैर के जख्म आस्ते आस्ते अच्छे होते रहेंगे। तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए बहुत दुआ निकलेगी कि आप लोगों की वजह से मेरी पैर अच्छा हो गई या मोनेटाइज हो गया। तो प्लीज़ ऐसे में मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। जो जो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब किया है, पूरा ब्लॉग देखता है, एक दूसरे के पास शेयर करता है, उन सब के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ। मैं जितना खुश होती हूँ वो सारे लोग हमेशा खुश रहेंगे और मेरे से ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, उनको 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए आप सब इसी तरह से मूली और बटाटा फ्राई, मूली के साग और बटाटा फ्राई बनाइए और कमेंट करिए कैसा बना। अच्छा बना तो भी कमेंट करिए, बुरा बना तो भी कमेंट करिए। इसको आप दाल चावल के साथ, सालन के साथ, चिकन के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। 10 रुपया के मूली साग था, ज़्यादा पैसा नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करिए। तो आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए दोस्तों। तो चलिए मैं ब्लॉग के यहीं पे एंड करती हूँ।